जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का स्मरण करो प्यारे, उनके सामने हृदय से रो, प्रार्थना करो। भगवान, मैंने हजारों अपराध किए हैं और अब भी कर ही रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु, मुझे पवित्र बनाकर अपने परम धाम की राह पर ले आना तुम्हारी कृपा का ही काम है। मैं तो डूबा जा रहा हूँ, अग सागर में भटक रहा हूँ, भयानक भव अरण्य में। बचाओ मेरे स्वामी, बचाओ। अभिमान छोड़कर जो सच्ची प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान उसी क्षण सुनते हैं। पर मनुष्य प्रार्थना के समय भी दंभ करता है, वह अपने अपराधों और दोषों के लिए कभी दुखी होता ही नहीं, उन्हें देखता ही नहीं। फिर कपट भरी प्रार्थना पर भगवान भला क्यों रीझे। भगवान का नाम महान महिमा में है। नाम और नामी में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान के नाम में लगी है, वही साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है, वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों ने अनेकों प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से भैया सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ है। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता, तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है, सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ करके। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात चौबीसों घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव भी संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर कम से कम दो दो घंटे नाम जप का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज है भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगें, प्रभु आज समस्त दिन आपकी अनुकूलता में ही बीते। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा करे तो 100,000 नाम जप नहीं सही, कम से कम 50,000 नाम जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। भैया, संकेत में, परिहास में भी
यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप जल जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। श्रीमद् भागवत में आया है, कलयुग में और सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है, वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी जाके बदन ते धोके हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर शपथ लेकर नाम की महिमा घोषित की है। शंकर साखी जो राखी कहाँ कछु, तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समझी परो। समस्त विश्व भगवान का नाटक है भैया, खेल है। भगवान के इस खेल में भी सब रस होने चाहिए। इस समय वर्तमान में ऐसी लीला चल रही है, इस नाटक मंच पर सजन संघार की लीला चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं। प्रकृति में तो हेर फेर होता ही रहेगा, प्रकृति में तो हेर फेर होता ही रहेगा। भगवान की शरणागति का स्वरूप क्या है? तुम्हारा सब कुछ भगवान का कर देना, अर्थात यह निश्चय हो जाना कि मैंने अपनी चीज़ तथा अपने आप को भगवान को दे डाला है। अब सोचो बदले में तुम्हें क्या मिलता है। विश्व की समस्त चीज़ों के सहित भगवान अपने आप को तुम्हें दे डालते हैं, भला यह कितने लाभ का काम है। तुम कितने बड़े लाभ में हो। इस पर भी आनंद यह है कि तुमने तो वही चीज़ दी है जो भगवान की ही थी, पर भगवान अपनी चीज़ को ही पाकर तुम्हें अपने आप को दे डालते हैं। भगवान यह नहीं देखते कि किसने कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में अर्पण की है, वे देखते हैं तुम्हारे मन का भाव, वे देखते हैं तुम्हारे मन का भाव। भगवान के प्रति समर्पित हो जाने में एक अहंकार बाधक होता है, यह अहंकार छूटता है भगवान की दया से। भगवान की दया तुम्हें प्राप्त है ही, अतः बार बार निश्चय करो हम भगवान के हैं। भगवान का हाथ हमारे ऊपर है भैया, भगवान की बड़ी कृपा है। यह केवल मानने की बात नहीं है, असल में यही बात है, भगवान की पूर्ण कृपा है ही। निश्चय करो। निश्चय करते करते कृपा का अनुभव हुआ कि पूर्ण रूप से भगवत चरणों में समर्पित हो जाओगे। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। खूब भजन करो और भैया दूसरों से करवाओ। जय श्री राधे। जय श्री